मंच से समाज को बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी हूँ, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया है और झुकने और रुकने का काम नहीं किया है। 2014 से ये शोषित वंचित की दशा और दिशा क्या हो गई है वो किसी से शायद छिपी हुई नहीं है। ये शोषित समाज लहू लुहान कर दिया गया है। आज बांदा की इस पावन धरती पर मंच पर उपस्थित महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य जी तथा प्रदेश के बादशाह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी तथा पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी, आई हुई जनता, आए हुए सभी दल के छोटे बड़े पदाधिकारियों, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2014 से ये शोषित वंचित की दशा और दिशा क्या हो गई है वो किसी से शायद छिपी हुई नहीं है। ये शोषित समाज लहू लुहान कर दिया गया है। ये शोषित समाज, आदरणीय अखिलेश जी आपको बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। इस शोषित समाज को बहुत सी उम्मीदें आपसे हैं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ इस शोषित वंचित समाज को पहले अपने पुरुषों का, महापुरुषों का इतिहास जानना होगा, चाहे वो ज्योतिराव फुले का इतिहास हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले का इतिहास हो, चाहे वो काशीराम जी का इतिहास हो, चाहे राम मनोहर लोहिया का इतिहास हो, और चाहे वो मुलायम सिंह जी का इतिहास हो, और चाहे अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर पटेल का इतिहास हो, क्योंकि आगे आने वाला ये शोषित समाज इन्हीं से शिक्षा लेगा, इन्हीं से प्रेरणा लेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि इस शोषित समाज की दशा और दिशा सन 14 से बस से बदतर कर दी गई है, और आज पूरे प्रदेश से मेरे ऊपर धमकियां आ रही हैं, मुझे पीछे हटाने का काम किया जा रहा है, मेरे दल को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं इस मंच से समाज को बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी हूँ, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया है और झुकने और रुकने का काम नहीं किया है। आज विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, आखिरी सांस तक ना झुकूंगी ना रुकूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय समाज, जय अपना दल, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।